ऑल राउंडर, कैसे चल रही आपकी एडिटिंग? आई नो आपकी एडिटिंग काफ़ी मस्त है दोस्तों, काफ़ी शानदार चल रही होगी। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुप्ता एडिज़। तो गाइस जैसे कि आप लोग को पता है कि कुछ दिनों के बाद अभी शिवरात्रि आने वाला है, तो गाइस उसके ऊपर मैंने कुछ स्टेप्स एडिटिंग की, क्या है आपको ये एडिटिंग पसंद होगी। तो वैसे इसमें जितने बैकग्राउंड और पीएनजी यूज होंगे मैं सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर आराम से डाउनलोड करके इस फोटो को आराम से एडिट कर सकते हो। बस और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते। एक छोटे से इंट्रो के बाद आपकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको PicsArt एप्लीकेशन में इस वाले बैकग्राउंड को ओपन कर लेना। इस बैकग्राउंड को मैंने खुद क्रिएट किया है। तो ओपन करने के बाद आपको नोटबुक से एड फोटो में जाना है, और एड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको कुछ स्टेप से फोटो का क्लिक करवा लेना स्टेप से। तो गाइस इसका बैकग्राउंड मैंने पहले से रिमूव कर रखा है, फेस को स्मूथ भी कर रखा, थोड़ा सा बॉडी को भी स्मूथ कर रखा है। तो अगर आपको फेस को स्मूथ करना, बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर आराम से डाउनलोड देख कर बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप से फ़ोटो को ऐड करना, ऐड करने के बाद गाइस हमें करना क्या, यहाँ पे जाएंगे एड्रेस में, एड्रेस में जाने के बाद गाइस यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट को इसे कम कर देंगे क्योंकि इसके हाईलाइट बहुत ज़्यादा हो गए थे, और सैचुरेशन को थोड़ा कम कर लेंगे, और ज़्यादा कम नहीं करना थोड़ा सा, और उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम कर देंगे हम यहाँ पे। ये कम करने के बाद गाइस हम यहाँ पे डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस फिर से हम ऐड फोटो में जाएंगे, और ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस हम यहाँ पर अब जो ये वाला जो कहाँ गया यार, ये वाला इस गुदराक्ष को हम अपने गले में लगाएंगे कुछ इस टाइप से। तो गाइस इसमें जितने भी पीएनजी, इसमें काफ़ी सारे पीएनजी यूज होने वाले, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो इस गुदराक्ष को हम यहाँ पे यूज करेंगे इस टाइप से, करने के बाद हम यहाँ पे डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस फिर से हम ऐड फोटो में जाएंगे, और ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस इस गुदराक्ष में एक हार इस वाले को ऐड कर लेंगे, इसको हम अपने हथेली में रख लेंगे कुछ इस टाइप से। तो वैसे इसमें जितने भी पीएनजी है मैं सभी को आपको थोड़ा जल्दी जल्दी में करके दिखाऊंगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पीएनजी है, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो मेरे चलते। तो मैं इसमें इसे ऐड कर लेता हूँ, मैं आपको जल्दी जल्दी में करके दिखा रहा हूँ। तो वैस जैसे कि आप देख सकते हो, तो हमने जो रुद्राक्ष का माला भी पहना दिया और हथेलियों में रुद्राक्ष के वो से भी पहना दिया हमने, रुद्राक्ष के हमने हथेलियों पे भी पहना दिया और गले में भी पहना दिया। तो ये करने के बाद सब करना क्या हमें, हम फिर से हम ऐड फोटो में जाएंगे, और ऐड फोटो में जाने के बाद आपको ये वाले पीएनजी मिल जाएंगे। इस वाले पीएनजी को आप नॉर्मल से कुछ स्टेप से हमें फुल कर देना है, स्टेप से नॉर्मल को उससे फुल कर देना है, और फुल करने के बाद इसे फिर से ऐड फोटो में जाएंगे, और यहाँ पे एक शिवलिंग का पीएनजी मिल जाएगा आपको, ये वाला आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे कुछ स्टेप्स रखे, हम इसे मूव डाउन कर देंगे जिससे कि हमारा जो ये खोपड़ी है खोपड़ी से पीछे चल जाएगा, और इसके साइज को थोड़ा हम कम कर देंगे यहाँ पे क्योंकि ये कुछ ज़्यादा बड़े साइज हो गए थे। तो इस टाइप से कर देना है, और करने के बाद फिर से हम ऐड फोटो में जाएंगे, और ऐड फोटो में जाने के बाद हम यहाँ पे हमें तिलक का मिल जाएगा, एक तिलक का पीएनजी। तो ये रफ तिलक का पीएनजी यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद हम इसके जाएंगे ब्लेंड को, और इसके जाएंगे लाइटिंग में कर देंगे इसके ब्लेंड को, और ब्लेंड में लाइटिंग में करने के बाद इसे हम अपने माथे में रख लेंगे कुछ स्टेप्स लगा देंगे, हम माथे में स्टेप्स लगा देंगे, और इसके ऑब्स्टिक थोड़ा सा कम कर देंगे क्योंकि ज़्यादा ऑब्स्टिक कम करने से ओरिजिनल नहीं लगेगा कुछ भी। तो हमें कुछ स्टेप्स कर देना है हमें, और इसे पहले काट देते हैं, यहाँ से डन कर देंगे। फिर से हम एड फोटो में जाएंगे, और इस वाले पेंट को दोबारा से ले लेंगे, और दोबारा से ले जाकर इसे फुल साइज कर देंगे हम यहाँ पर, करने के बाद फिर से हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद गाइस हमारा जो PicsArt का काम है गाइस वो PicsArt का काम से यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो इसे हम कलर डायरेक्शन करने के लिए हमसे लेके जाएंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो लाइटरूम एप्लीकेशन में करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे रेटूच में, और रेटूच में ले जाके इसे हम इसे सेव कर लेंगे, और उसे लेकर जाएंगे लाइटरूम एप्लीकेशन। तो थ्री डॉट में जाकर इसे सेव कर लेते हैं, और फिर से हम लेकर जाएंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा फोटो जो PicsArt से PicsArt एप्लीकेशन सेव करके हम इसे लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर दिया। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइट्स में जाएंगे, लाइट्स में जाने के बाद इसका तो पहले कॉन्ट्रास्ट को हम बढ़ा लेंगे कुछ स्टेप से। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के बाद इसके हाईलाइट को कम कर देंगे हम, हाईलाइट कम करने के बाद शेडो को थोड़ा सा बढ़ा देंगे यहाँ पे, और शेडो बढ़ाने के बाद इस वाइट्स को थोड़ा देखते क्या, तो वाइट्स को थोड़ा हम कम कर देंगे हम यहाँ पे, वाइट्स कम करने के बाद ब्लैक को थोड़ा सा बढ़ा देंगे,
तो उसके बाद जाएंगे इसके नेचुरल टूल्स में, जहाँ पे हम पहले कस्टम कर लेंगे और यहाँ पे इसके टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देते हैं और टिंट को थोड़ा बढ़ा देंगे। टिंट बढ़ाने के बाद अब इसकी वाइब्रेंस को थोड़ा बढ़ा देंगे और सैचुरेशन को थोड़ा कम कर देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद हम जाएंगे मिक्स टूल में, जहाँ पे हमारा जो रेड कलर है, रेड कलर की सैचुरेशन को यहाँ पे ल्यूमिनेंस को थोड़ा बढ़ा देंगे और सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर देंगे और इसके ह्यू को थोड़ा छेड़ कर देखते हैं तो ह्यू थोड़े से यहाँ पर रखते हैं। और उसके बाद जाएंगे हमारे ऑरेंज कलर, हमारे फेस कलर जो है तो ऑरेंज कलर में जाएंगे, जहाँ पे हम ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे कुछ स्टेप से और इसके भी ह्यू को थोड़ा सा छेड़ते हैं और ह्यू को थोड़ा माइनस के सेट करके इसकी सैचुरेशन को हम यहाँ पे कम कर देंगे। वैसे इसके बाद में हमें यार येलो कलर जाएगा, येलो कलर की सैचुरेशन कम करना है, ग्रीन कलर की सैचुरेशन और हमारा जो ब्लू कलर जो है इसकी सैचुरेशन को थोड़ा कम कर देना है हमें और इसकी ह्यू को थोड़ा चेंज कर देना है। और उसके बाद वैसे यहाँ पर पर्पल कलर में जाएंगे, इसको भी ह्यू चेंज करके सैचुरेशन थोड़ा कम कर देना है। उसके बाद कैसे हमें करना क्या है, उसके बाद हम यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद इसके नेचुरल टूल्स में जाएंगे, जहाँ पर टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। क्लैरिटी बढ़ाने के बाद यहाँ पे इसका जो विग्नेट है, विग्नेट को थोड़ा कम कर देना हमें, फिर मिड पॉइंट को थोड़ा कम कर देना और फेदर को थोड़ा बढ़ा देना कुछ स्टेप से। फेदर बढ़ाने के बाद हम इसके नेचुरल टूल्स में जाएंगे, नेचुरल टूल्स में जाने के बाद इसकी शार्पनिंग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं शार्पनिंग को, जिससे हमारा फोटो साफ हो जाए एकदम की, और हमारा जो नोज डिटेक्शन है जिससे हमारा फेस स्मूथ हो जाए थोड़ा, तो नोज डिटेक्शन को थोड़ा बढ़ा देते हैं, हमें ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। उसके बाद कैसे हम यहाँ पर जाएंगे प्रोफाइल में, प्रोफाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक मॉडर्न टेन का एक प्रीसेट मिल जाएगा, तो इससे हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करते हैं हमारा फोटो देख सकते हो तो आपने हमारा फोटो कितना शानदार हो गया। तो उसके बाद में हम इसके जो है इसको जो अमाउंट है इसको हम रख देंगे 130 के आसपास के अमाउंट को रख देंगे। रखने के बाद हम यहाँ से इसे डन कर देंगे। तो वैसे आप देख सकते हो कि बिफोर आफ्टर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप से थे हमारे फोटो, अब किस टाइप से हमारे लाइटरूम एप्लीकेशन में हो गया है। देख सकते हो आप कि हमारे फोटो कितने, हमारा फोटो कितने शानदार तरीके से हुआ है एडिटिंग। उसके बाद में वैसे हमें आपको जाएंगे एक यहाँ पर सिलेक्टेड टूल्स में, यहाँ पर सिलेक्टेड टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर ग्रेज में कुछ सिलेक्ट कर लेंगे और कुछ हम इस टाइप से सिलेक्ट करने के बाद इसके जो है एक्सपोजर को थोड़ा कम कर देंगे कुछ इस टाइप से, थोड़े से और नीचे ले जाते हैं इसे कुछ इस टाइप से और एक्सपोजर को हम यहाँ पे कम कर देंगे और यहाँ से टर्न कर देंगे। उसके बाद कैसे हमें करना क्या है, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ स्लिप रूम में जाना है और स्लिप रूम में जाने के बाद इसके हम थोड़े से व्यू को थोड़ा सा चेंज कर ले, हाईलाइट को थोड़े से कलर चेंज कर लेते हैं और शेडो को थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर इस टाइप से। और हम इसके बाद हम इससे मैनेज कर लेंगे कुछ इस टाइप से, मैनेज करने के बाद इसकी शेडो को थोड़ा देख इस टाइप से यहाँ पर सही है करने के बाद हम यहाँ पे डन कर देंगे। तो गाइस हमारे फोटो को आपको फिर से हम एक बार बिफोर आफ्टर दिखा देते हैं कि पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में कुछ इस टाइप से थी, अब लाइटिंग एप्लीकेशन में कुछ इस टाइप से है, तो कितनी शानदार तरीके से हमारी फोटो एडिटिंग हुई है। उसके बाद में गाइस हम लेकर जाएंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, जहाँ पर हम सिर्फ फुल एडिटिंग में सेव करें। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमारा फोटो जो है फिर से हम एक बार पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे एड फोटो में और एड फोटो में जाने के बाद हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट पीएनजी को लगाना हो, तो हम ये हर महादेव का एक टेक्स्ट पीएनजी है इसे हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर ब्लेंड हो जाएंगे और इसके ब्लेंड को हम कर देंगे लाइटिंग इस टाइप से। लाइटिंग करने के बाद हम यहाँ पर इस टाइप से लगा देंगे और इसके ऑब्स्टेकल को लाइटिंग करने के बाद इसके ऑब्स्टेकल को यहाँ पर कम कर देंगे कुछ इस टाइप से। कम करने के बाद यहाँ से हम डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस आप हमारी फोटो को देख सकते हो कि हमारा फोटो कितनी मस्त, कितनी शानदार तरीके से एडिटिंग हुई गाइस। गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और फोटो भी अच्छी लगी गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो गाइस आज के लिए बस इतना, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।